अरुणाचल प्रदेश भारत के अति सुंदर प्रदेशों में एक है और यहाँ की जनजाति और उनकी संस्कृति बहुत मन लुभाने वाली है। ये जनजाति, धर्म और संस्कृति ये वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व की संपत्ति है। सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, सिर्फ अरुणाचल का नहीं, मगर पूरे विश्व का संपत्ति है, इसलिए इसको बचाना है। धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन करने से हमारी ये अनादिकाल से चली आ रही परंपराएं, संस्कृति, मान्यता, धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। इससे दुनिया को नुकसान होता है। इसलिए सभी धर्म को आदर करिए, सम्मान करिए, मगर अपनी जो जनजाति की धर्म है, अपना संस्कृति है, अपने रीति रिवाज है, इसको नहीं छोड़ें। और इस सिलसिला में रंग फेरा महोत्सव अरुणाचल में हो रही है, ये बहुत हर्ष की बात है। मैं सभी युवाओं को कहता हूँ, किसी भी आमिष में आके आप अपनी ये जो परंपरा संस्कृति है, जो आपके पुरखों की जो एक दी हुई मान्यताएं हैं, इसको मत खोना, इसको बनाए रखना जैसे आप अभी बनाए रख रहे हैं। और हम आपके साथ हैं। आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, कनाडा के जो जनजाति हैं और अरुणाचल प्रदेश के जो जनजाति है, इनमें इतना साम्य है। और ऐसे ही जनजाति के जो ये जो ट्राइबल कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, अफ्रीका में है, इन सब में एक अद्भुत समता और एक यूनिटी हम देखते हैं, विश्वास देखते हैं। इसलिए ये लगता है पूरे दुनिया में कभी ना कभी इस तरह की एक संस्कृति रही होगी जो ज़मीन से जुड़ी हुई है। जैसे दोनी पोलो है, सूरज और चांद को मान के चलते हैं, ऐसे रंग फेरा आप सब लोग इस तरह से तरह तरह की जो 10 से अधिक जो मान्यताएं हैं, संस्कृति है, धर्म है, मत मतांतर है, इन सबको हमें बचाना पड़ेगा, इन सबको हमें समझना पड़ेगा, औरों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें अपनी एक सुंदरता है, खूबी है। चलिए हम सब मिलकर के ये जो ट्राइबल कल्चर है, इसको हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे। मैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूँ जो इस ट्राइबल कल्चर को दरकिनारे कर रहे हैं, आप कृपया ऐसा मत करिए, कि ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक हैं, और अलग अलग रूप में उनको अलग अलग लोगों को इबादत करने दीजिए, पूजा करने दीजिए, उनको उनकी प्रार्थना करने दीजिए, सबको एक तरह से करना है, ये उचित नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर मैं जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं उनको बधाई देता हूँ, आप ऐसे कार्यक्रम करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। ओम शांति।